Hello students, welcome to teacher. In previous lecture, we have discussed the exercise 5.2 of question number 4, 5, 7, 8, 9. Okay, you know, 5 questions discussed here. Now, let's move to the next question. So, very first, just revise the basic concept of this chapter. तो हमने लास्ट में अब तक जो स्टडी किया है हमें फॉर्मूला एन पंप फाइंड करने की फॉर्मूला है वो लर्न की थी उसने तो क्या होती है फॉर्मूला दैट इज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी वेर ए एन इज द एंथ टर्म ए इज द फर्स्ट टर्म डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एन इज फॉर द विच टर्म कौन सी टर्म है यहाँ फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म है थर्टीथ टर्म है 29th टर्म है इस तरह से कौन सी टर्म ओके दैट इज एन रिलेटेड टू एन नाउ अगर इफ आई विल राइट ए थर्ड ओके ए 30 को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 30 माइनस 1 मींस 29 सो यहाँ पे जो भी होगा उससे 1 माइनस संख्या हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे ओके सिमिलरली सपोज मैं ए 12 लिखूं इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 11 है ना सपोज मैं ए 3 लिखूं इट कैन बी रिटन एज ए प्लस 2 तो मैं किसी भी टर्म को इस तरह से ए एंड डी में डायरेक्टली आई कैन राइट ओके सपोज मैं ए 100 लिखूं 100th टर्म मुझे चाहिए ए होगी ए प्लस 99 क्यों ए इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन एन इज 100 100 माइनस वन 99 दिया जाएगा एवरीवन क्लियर किसी भी टर्म को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ विच टर्म जो भी टर्म होगी उनमें से वन सब्ट्रैक्ट करके ओके एवरी स्टूडेंट्स क्लियर आप डायरेक्ट यूज करने वाले हैं इस समय ओके स्टूडेंट्स यस सर ओके सबको क्लियर है ना ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं सबको क्लियर होना चाहिए ओके क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे गिवन है द 17th टर्म ऑफ एन एफ एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर में आपको क्या करना है पता है जस्ट जो गिवन है ना इंफॉर्मेशन उससे इसके फ्लो में ही जाना गो विद द फ्लो एक रूल याद रखना गो विद द फ्लो What is given? उसके ऊपर से हमें चले जाना है तो यहाँ पे the 17th term of an F हमें क्या given है 17th term so A 17 write down तब तो A 17 वो क्या given है F exceeds exceeds का meaning होता है more और plus more या plus करते add करते हैं उसको okay is its 10th term by 7 ये जो 17th term है वो उसकी 10th term से 7 ज्यादा है means plus है 7 तो वो होगा 8 प्लस 7 सबको इसका मीनिंग क्लियर जो 17th टर्म थी इज एक्सीड्स बाय 7 ऑफ इट्स 10th टर्म 10th टर्म से 17th टर्म 7 ज्यादा है तो ये 10 का 7 ऐड होगा एवरीवन क्लियर इसको इसमें डाउट है कोई इसलिए यहाँ पे पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं ना सबको क्लियर है यहाँ तक भी इसके बाद तो बहुत ही बेसिक है यस सर ओके सो नाउ A17 हमें सिर्फ क्या करना है इसका जो फॉर्मूला है उसको डायरेक्ट यहां पे राइट डाउन करना है मैं यहां पे जस्ट आपको रफ फॉर्म में एक्सप्लेन कर देता हूं फर्स्ट टाइम अदरवाइज यू कैन राइट डायरेक्टली ओके A17 को हम क्या लिखेंगे उसके फॉर्मूला को यूज करके A17 को मैं लिख सकता हूं A+16D है ना 17-1 16D A10 को आई कैन राइट इट इज a plus 8 minus 1 90 जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया प्रीवियस स्लाइड में तो इसको मैं यहां पे डायरेक्ट पुट कर दूं ओके सो a17 को लिख सकते हैं a plus 16d is equals to a10 is a plus 90 a10 की जगह पे आएगा a plus 90 plus 7 तो है तो plus 7 हो जाएगा हमें फाइंड क्या करना है कॉमन डिफरेंस we need to find the common difference ओके यहां से फाइंड कर सकते हैं यस a a 0 हो जाएगा कैंसिल हो के ओके सो यहां पे आ गया 16d ओके यहां से 90 और माइनस कर दो सबट्रैक्ट LHS पे शिफ्ट करो सो माइनस हो जाएगा 90 इज इक्वल्स टू आ गया 7 सो 16 माइनस 9 इट विल बी 7d इज इक्वल्स टू आ गया 7 सो इस 7 को LHS में मूव करो मल्टीप्लिकेशन में हो तो जाएगा डिवीजन में तो यहां पे d इज इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा सो इट इज 1 ओके सो हमें कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली मिल गया 1 है ना सिर्फ टू स्टेप का काम था सबको क्लियर क्वेश्चन नंबर 10 आपको सिर्फ यहां पे फार्मूला डायरेक्ट पुट करना है ओके एवरीवन क्लियर
राहुल यस सर सोम श्याम सबको क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट? सबको आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर सबको क्लियर? ओके किसी को कोई डाउट नहीं है? मैं जब पूछूंगा फिर से समझाओ तो। ओके वेरी गुड, ऐसे बोलते रहो। यहाँ पे जो अच्छे से क्वेश्चन समझो कुछ। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। अगर मैं आपको ऐसे कहूँ, ओके अगर मैं आपको नंबर में एक्सप्लेन करूँ, ऐसा गिवन हो, अगर जब 10 होता है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10 इज 7 एक्सीड्स बाय 3। ओके 7 एक्सीड्स बाय 3 मीन्स 3 प्लस 7 लिख सकता हूँ इसको। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 को 3 प्लस 7 इसका क्या होगा? जो 10 है वो 3 से 7 ज्यादा है, मीन्स 3 से एक्सीड है 7। तो सिमिलरली यहाँ पे गिवन है जो 17th टर्म है मीन्स ए 17 इज 10th टर्म से 7 एक्सीड से, एक्सीड मीन्स मोर, मोर मीन्स ज्यादा, ज्यादा मीन्स प्लस करना पड़ेगा। सो ए 10 में प्लस 7 कर देंगे, ए 10 में प्लस 7। ओके अब क्या करना है? ए 17 का फॉर्मूला जो टर्म फाइंड करने का ए एन वाला, सो ए एन इज इक्वल टू होता है a plus n minus 1 into d। okay so n is 17, a 17 aayega, a plus 17 minus 1 16d। to a 17 ko main likh sakta hu a plus 16d, a 10 ko likh sakta hu a plus 19, a plus 10 minus 1 90 plus 7। hame common difference define karna tha, a a same hai, a subtract ho gaya 0 ho gaya cancel ho gaya। ab 16d is equals to 90 plus 7, 90 ko lhs pe shift karo, so plus ho gaya minus ho jayega। 60 minus 90 70 is equals to 7। यहाँ से d मिल गया 1। अब clear? कोई doubt है? अब आपका most important इसको write down करना था from the given question। Now clear students? आपको किसी को doubt? No sir। Okay अभी? हाँ sir clear sir। Okay now move to the next question। Question number 16. What is given? Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. Anyone can tell me आप इसे कैसे? बहुत ही सिंपल आ गया, previous question से सिमिलर। कैसे मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँ जो गिवन है वो? अभी तुम कह सकते हो मुझे यहाँ पे what is given, मैं इसको कैसे राइट डाउन करूँ? Do you know Abhi? Yeah, yes or no? Just tell me. So I can move further. Any other students can tell me? इसको कैसे solve करेंगे? किसी को कोई idea आ रहा है? बहुत ही basic है। Just मुझे यहाँ पे क्या given कैसे लिखना है? जो यहाँ पे given data है वो कैसे लिखूँगा? कोई कह सकता है? Okay, let me explain you. तो यहाँ पे determine the AP. हमें AP पूरी determine करनी है. Okay. तो डिटरमाइन एपी, तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए एपी कैसे राइट डाउन करते हैं। अगर मैं किसी एपी को फॉर्म करना चाहूं, आपका एक्सरसाइज 5.1 एपी कैसे फॉर्म करते हैं, उसके लिए मुझे चाहिए ए एंड बी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये दोनों अगर मेरे पास है सो आई कैन फॉर्म द एपी। ओके तो मुझे बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें यहां से पता चल गया कि मुझे ए एंड बी फाइंड करना पड़ेगा। अब देखते हैं व्हाट इज गिवन। गिवन यहां पर थर्ड टर्म 16, तो थर्ड टर्म ए 3 16 गिवन है। ओके ए 3 16। नेक्स्ट गिवन है एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय स्क्वायर। ओके तो सिमिलरली आगे आप प्रीवियस केस से सेवंथ टर्म ए 7 एक्सीड्स हो रही है फिफ्थ टर्म से, सो ए 5 कितने नंबर से? 12 नंबर से, सो प्लस 12 एक्सीड हो रही है मींस ज्यादा है, 12 ज्यादा है फिफ्थ टर्म से ए 7 टर्म 7th। ओके अब यहाँ से मुझे ए एंड डी फाइंड करना है, तो सिमिलरली करते जाओ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर सकता हूँ ए 3 मेरे पास है 16, इसको याद रखना। ओके ए 7 इज इक्वल्स टू ए 5 प्लस 12, मैंने कहा था गो विद द फ्लो, जो भी यहाँ पे गिवन है उसमें फॉर्मूला पुट कर दो। सो यहाँ पे फर्स्ट में क्या गिवन है? ए 3 गिवन है। ओके उसमें मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ, सो हमारा फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके व्हाट इज एन? यहाँ पे ए 3 गिवन है, सो ए 3 इसमें फॉर्मूला पुट करना है ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू
so it is a3 is equals to aap here a plus 2d. okay, a3 hum yahan pe given tha 16, to main isko directly yahan pe 16 write kar sakta hu. a3 is 16, so 16 is equals to a plus 2d. yahan tak mujhe mila, it is the equation. But kyun main aage nahi gaya, kyunki yahan pe a and d both unknown hai, isko main aage nahi solve kar sakta. okay, यहां तक रखते हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन. सेकंड क्या गिवन है यहां पे, सेकंड ए बी रिलेशन गिवन है, a7 इज इक्वल्स टू a5 प्लस 12. तो यहां से कुछ करते हैं, कुछ फाइंड कर सकते हैं. तो सो a7 इज इक्वल्स टू a5 प्लस 12. तो सेम वे में गो विद फ्लो, जो टर्म है गिवन है उसमें इस फार्मूला को अप्लाई कर दो. a7 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 7 माइनस 1 16 is equals to a5 को लिख सकता हूं a plus 4d 5 minus 1 4d. okay, plus 12 है तो plus 12 as it is आएगा. यहां पे डायरेक्ट पुट कर रहा हूं. okay, a7 की वैल्यू a plus 6d, जैसे यहां पे a3 की वैल्यू आई थी a plus 2d. yes, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं. yes, यहां पे a कैंसिल हो गया. what is remaining, 6d is equals to 4d plus 12. okay, so 6d minus 4d is equals to 12. okay, so it is 2d, so it is aayega 2d is equals to 12. so d is equals to kya aayega, 12 upon 2, it will be 6. so d is equals to aayega 6. abhi hamara task complete nahi hua, d find kar liya humne, ab find karte hain. so humne previous case jo last lecture mein humne discuss kiya tha, is d ko kahan pe put karna padega, kon kahega mujhe answer to. शिवम कैन यू टेल मी, अब हम क्या करेंगे शिवम, फास्ट यस शिवम. समझ में नहीं पता सर. तो तुम कहाँ रहते हो, अब तक समझ में आया, यहाँ तक कैसे सॉल्व करना है सर? वो यस नहीं सर, था ही नहीं, अभी था ही नहीं सर, तुम था ही नहीं. हानी भी रहा था. सो हम कैन यू टेल मी, अब हम कैसे सॉल्व करते हैं? यस ओके, यहाँ पे अच्छे से समझ में आया. यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, ए एंड बी चाहिए था. ओके, सो यहाँ पे ए थ्री गिवन है. सर बोलूँ मैं? यस श्रेयस. सर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे डी की. यस, हमें अब ए फाइंड करना है, हमें ए एंड डी चाहिए था, तो ए तो मिल, डी तो मिल गया, तो हमें ए चाहिए. तो ए कहां से मिल सकता है, यहां पे प्रीवियसली देखो हमारे पास इक्वेशन इक्वेशन वन, तो यहां पे डी अगर मैं पुट कर दूं ए मिल जाएगा ना. सो यहां पे डी पुट कर दो. सो पुट डी इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1. ओके, सो इक्वेशन 1 क्या है, 16 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2d, d की वैल्यू है 6, 2 into 6, so it is 16 is equals to 6 to the 12, a plus 12, a find करना है, 12 यहाँ पे ले आओ, 16 minus 12 is equals to a, so a is equals to आ गया 4, आपको मिल गया a and यहाँ पे d, अब आपको क्या करना है, a भी find करनी है ना, so अब तो आपको पता होना चाहिए. यस कृति, कैन यू टेल मी अब ए पी कैसे लिखे यहाँ पे, क्योंकि डिटरमाइन तो ए पी करना था, हमने ए एंड डी तो फाइंड कर लिए. मैंने इनिशियली बोला था ए एंड डी क्यों फाइंड करने सर, हमारे पास ए की वैल्यू भी और डी की वैल्यू भी है, तो ए पी इज इक्वल टू ए, ए पी क्या होगी, ए देन ए प्लस डी देन ए प्लस 2d. यस, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d. ओके, इस तरह से ए पी मिलेगी हमें, बट हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ना यहां पे ए फर्स्ट. अब क्या करेंगे, हाउ वी विल राइट ए सर? यस, ए की वैल्यू 4. यस, 4 कॉमा देन ए प्लस डी विल बी 4 प्लस 6 सो 10. इज 4 प्लस 6 4 प्लस 6 नेक्स्ट आएगी देन 4 प्लस 12 2 इनटू 4 2 इनटू 6 12. ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो ये हो गई आपकी ए पी 4 कॉमा 10. यहां पे नेक्स्ट लिख दो. स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आप जनरल प्रूफ का यूज नहीं करना चाहते हैं ना, तब डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हैं. कैसे, फर्स्ट टर्म आपके पास है ए, ए फर्स्ट टर्म क्या है, फोर थी यहाँ पे फर्स्ट टर्म. ओके,
फर्स्ट टर्म की a 4 b है 6 अब सेम इस जनरल फॉर्म में यूज करके भी लिख सकते हो ओके पर वहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन की नहीं है ना 2d 3d 4d ऐसे तो आप इसको ऐसे लिखे हमारे यहां पे मैंने लिखा होगा रिक्वायर्ड a ये हमारी रिक्वायर्ड a ओके 4 इसमें d ऐड करना है 4 प्लस d क्या है 6 सो 4 प्लस 6 10 इसमें अगेन d ऐड कर दो इसमें d ऐड कर दो 10 10 प्लस 6 16 16 प्लस 6 22 इस तरह से होगी हमारी a ओके जो प्रीवियस टर्म है उसमें d ऐड कर दो तुम्हारी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी द बेसिक रूल ओके सबको क्लियर क्वेश्चन नंबर 16 एवरीवन क्लियर यस सर ओके आपको लगा होगा कि मैंने क्वेश्चन 10 यस सर कर दिया और जो जो सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे जो मेथड से ना उस हिसाब से मैं यहां पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ओके सो डोंट वरी वी विल क्लोज ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज सो क्वेश्चन 16 सबको क्लियर ओके सेम यस सर फॉलो करेंगे ओके गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 11 ओके क्वेश्चन 10 हो गया क्वेश्चन 16 हो गया क्वेश्चन 11 Which term of the AP, AP given is 3, 15, 27, 39, will be 132 more than its 54th term. अब तक आपको given था कि जो this term is more than this term. Okay, इतने numbers. Suppose 7th term है, वो 5th term से 2 more than. ऐसे given था. यहाँ पे हमें given नहीं है. तो क्या given है? Which term of the AP? जब भी आपको ऐसा पूछे ना, which term? तब क्या find करोगे? एक फाइंड करोगे कौन सी टर्म कितना भी टर्म वो हमें फाइंड करना है ओके तो अगर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं व्हिच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 दिस कौन सी टर्म मैं बता नहीं है उसको मैं ए दे देता हूं ये विल बी जो होगी वो 132 मोर देन इट्स 54 टर्म मींस कौन सी टर्म 132 मोर देन होगी इसकी 54 टर्म क्या हो गया हमारा उसका आंसर एवरीवन क्लियर इसको कैसे समझना है क्वेश्चन को ओके सो अगेन यहां पे व्हाट इज अनदर गिवन इज तो हमें फाइंड क्या करना है एन फाइंड करना है कौन सी टर्म कितना भी टर्म छे दैट विल बी 132 मोर देन होगी 54 टर्म से हमें एन नहीं फाइंड करना है इसमें एन फाइंड करना है ओके अगेन यहां पे अनदर क्या गिवन है अनदर गिवन इज ए इज 3 D given है, D find कर लो 15 minus 3, A 2 minus A, 15 minus 3, 12. Okay, ये हो गया A and D. अब इसमें क्या करना है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. जो भी यहाँ पे given है, उसमें formula apply करते हैं. Automatic आपका task हो जाएगा. हमें N find करना है ना? तो यहाँ से ही मिलेगा. So यहाँ पे put कर दो N का formula क्या होता है? It will be A plus N है N. माइनस वन इंटू डी ओके एन की जगह पे मैंने यहाँ पे लिखा ओके 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 मैं फर्स्ट यहाँ पे वो राइट डाउन कर लेता हूँ किसी को कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे गिवन है ए एन इज इक्वल टू ए था हमारा गिवन अब हम यहाँ पे राइट डाउन कर ले ए एन इज इक्वल टू 132 प्लस ए 54 ओके अब एन को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 132 प्लस ए 54 को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 54 माइनस 1 53 डी ओके यहाँ से मुझे एन फाइंड करना है तो यहाँ पे ए सेम है तो ए कैंसिल बोथ साइड इक्वल्स टू डी एन तो मैं फाइंड करना है तो एन माइनस 1 डी की वैल्यू बताया हमें 12 सो डी आ गया 12 इज इक्वल्स टू 132 प्लस 53 इंटू 12 53 इंटू डी डी इज 12 ओके सो ना अब क्या इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना नहीं है ब्रैकेट में मैंने बोला था ओके इट इज n माइनस 1 इनटू 12 n माइनस 1 इनटू 12 ओके इट इज 132 प्लस 53 इनटू 12 कैसे करोगे सो फर्स्ट इसको इस तरह से कर लो 12 इनटू 5 12 5 से 6600 12 इज 36 तो 600 प्लस 36 तो आएगा 636 ओके अब माइंड में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे 50 आ गया यहाँ पे 12 आ गया तो 12 5 600 12 5 60 एंड जो 50 है उसका 600 एंड 12 3 यहाँ पे 3 रिमेनिंग है 12 3 56 636 इन आप रफ वर्क में भी कर सकते हो अब इन दोनों को ऐड कर दो
n minus 1 equal 12 is equals to 132. ओके यहाँ पे ऐड करना है डायरेक्ट, तो आंसर कैसे लिखेंगे? 6 plus 2 8, 3 plus 3 6, 6 plus 1 7, 768. तो अब इस 12 को RHS में मूव कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब भी मल्टीप्लाई हो तो जाएगा डिवीजन में, n minus 1 is equals to 768 upon 12. ओके 12 6 जा 72, यहाँ पे कैंसिल कैसे होगा? 12 6 जा 72, 4 is remaining, 12 4 जा 48. ओके Now, n minus 1 मिल गया हमें 64, n minus 1 is 64. Okay, so n equals to आएगा 64 plus 1, n is equals to 65. So, कौन सी टर्म होगी वो 54 टर्म से 132 more than होगी इस AP की 65 टर्म. तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे 65th टर्म is 132 more than its 54th term. Its 54th term. Everyone clear? सबको clear है? यहाँ तक किसी को कोई doubt? Quick revision की need है? तो किसी को revision करना है fast में sir. सबको clear? Yes sir. सबको clear है? ये सबको एक-एक नाम लेके पूछूँ, सबको clear है ना students? यस सर यस सर क्लियर सर क्लियर सर यस सर यस क्या मेथड ही फॉलो करनी है. ओके वेरी गुड. ओके स्टूडेंट्स हमारा अभी 10 मिनट्स का वार्निंग आ गया, 10 मिनट्स में लेक्चर एंड हो जाए, रिजेंट हो जाना. ओके सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18. ओके यहां पे क्या दिया है? The sum of the 4 and 8 terms of an AP is 24 and the sum of the 6 and 10 terms is 44. Find the first 3 terms of the AP. Okay, first what is given? कोई मुझे question के ऊपर से क्या write down करने कोई कह सकता है? बहुत ही basic है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ. यहाँ पे जो भी given है word को उसको सिर्फ आपको यहाँ पे AP के form में write down करना है. कोई कह सकता है? दर, can you tell me? हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? Sum of the fourth and eighth term is given as 24. And sixth and tenth का sum given as 44. इसको हम कैसे लिखेंगे? कोई आइडिया आ रहा है दर? कोई आइडिया नहीं, नो आइडिया. कोई अदर स्टूडेंट्स किसी को आइडिया आ रहा है? अभी तुम्हें आइडिया आ रहा है कोई? टॉपिक अभी बोल दो. Yes, sir. Idea आ रहा है तुम्हें इसको कैसे हम लिखेंगे यहाँ पे? जो given है sum of the fourth and eighth term of an AP is 24. इसको मैं कैसे लिखूँ? Solution में. Any idea? Yes or no? Idea तो ठीक, वोड़ा कुछ बताओ भी नहीं आया. यहाँ पे हमें क्या करना है? The sum of the fourth and eighth term of an AP. बहुत ही basic है, sum given. किसका sum given है? Fourth and eighth term का. क्या given है? 24. तो लिख दो यहाँ पे. Fourth term A4 plus eighth term A8. इन दोनों का sum हो गया. क्या given है दोनों का sum? 24. याद आया 24. Okay. Next क्या given है? The sum of the sixth and tenth term. इसको मैं first कह देता हूँ. Equation. इस नेक्स्ट सम किसका गिवन है? 6 एंड 10 का. तो a6 प्लस a10 इज इक्वल्स टू क्या गिवन है वो सम? 44. ओके ये हो गया हमारा इक्वेशन. को हमें फाइंड क्या करना है? फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP. अगर मुझे फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है तो वी नीड a एंड d. दैट वी नो a चाहिए एंड d फाइंड करने के लिए. इन दोनों से कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही बेसिक है. कोई आंसर देना चाहते हैं कैसे फाइंड करेंगे? किसी को अगर माइंड थिंक करके किसी को कोई आइडिया आ रहा है इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं इसको. स्टूडेंट्स आप अपने आप से बाय सेल्फ सोचो ना, तभी आपको आइडिया आएगा इस चैप्टर में. वो इन मेथ्स में आपने खुद से सोचना बंद कर दिया तो इस चैप्टर में इस मैथमेटिक्स का अच्छा नहीं परफॉर्म करने पाओगे.
सर यस सर बोलो इस रेंज पे प्लीज तुम्हें पता है प्लीज नो सर ओके यस रेंज पे क्या करेंगे जनरली जस्ट ब्रीफली सर फर्स्ट एक जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें सर जो ए फोर है उसमें फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग और ए एट में भी फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके नीचे वाले में भी यूज कर देंगे ओके मैं यहां पे लिख पर राइट डाउन की कर देता हूं a plus a 4 plus a 8 is equals to 24 a 4 को मैं लिख सकता हूं a plus 3d ये ना इसका फॉर्मूला 8 को लिख सकता हूं a plus 8 minus 1 7d is equals to अब ये 24 इसको सॉल्व कर दो a plus a आपको जस्ट प्रो में जो होता है जो यहां पे एरिथमेटिक जो होता है प्रोसेस एरिथमेटिक जो प्रोसेस होती है एलजेब्रा में वो परफॉर्म करते जाना है जस्ट So, a plus a हो गया 2a, 3d plus 7d, 10d, okay, is equals to 24, okay, a हो गया हमारा, अभी यहाँ पे a and b both are run, तो इससे नहीं find कर सकते, अभी हमें एक equation चाहिए, इसको मैं suppose next equation, equation 3 के, okay, a हो गया हमारा equation 3, second equation यहाँ पे उसके ऊपर से हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ from equation 2, okay, Equation 2 क्या है? A6 plus A10 is equals to 44. A6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? Yes, अब तो अभी, yes, कोई कह सकते हैं राहुल, tell me, अब मैं क्या करूँ यहाँ पे? Next step में, यहाँ पे क्या लिख? A plus A5. A plus? A5. A5 plus A4. 5D. Yes, A plus 5D. Plus, इसको क्या लिखो A10 को? A plus 90. Yes, A plus 90 is equals to 44. Okay, A plus A again, yahan pe 2A. Okay, 5D plus 90, 14D is equals to 44. Ye ho gaya hamara second equation. Okay, ye ho gaya hamara second equation. Sorry, second to upar se aaya to ye ho gaya 3 and next fourth equation. Ab hame chahiye tha A and D. To yahan pe bhi A and D hai, A and D both are variable. In dono ko solve kar do do equation ko. एलिमिनेशन मेथड से तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में से सबट्रैक्ट कर देता हूं यहां ओके तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 क्यों ऐसा करते हैं ऐसा कब करते हैं जब यहां पे कोई टर्म सेम हो 2a 2a सेम इसीलिए अगर हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो डायरेक्ट या एलिमिनेट हो जाएगा अगर आपको चैप्टर नंबर 3 क्लियर है यहां पे भी 2a है यहां पे भी 2a है तो अगर हम दोनों को सबट्रैक्ट करें डायरेक्टली तो 2a भी एलिमिनेट हो जाएगा इसीलिए हम डायरेक्ट सबट्रैक्ट करें ओके वरना आपको कोई नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है सेम टर्म बनाने के लिए ओके जब आएगा तो देख लेंगे वो तो यहां पे सबट्रैक्ट करते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 इक्वेशन 4 पहले आएगा 2a plus 14d is equals to 44 2a plus 14d is equals to 44 इनमें से सबट्रैक्ट करना है 2a plus 10d is equals to 20 2a plus 10d is equals to 20. Okay subtract karna sign change plus a minus plus a minus 2a minus 2a 0 aa gaya 14d minus 10d 40 ye aa gaya 20 so it is d is equals to 20 upon 4 so d is equals to mil gaya 5 okay ab kya karenge how we will find a इस b की वैल्यू और क्वेश्चन कुछ नहीं है इसको लेट मी आस्क यू यस विश्वा कैन यू टेल मी हाउ विल फाइंड आउट a a कैसे फाइंड करेंगे b के लिए यार विश्वा कैन यू हियर मी इस फोर पे कह सकता है दिव्या कैन यू टेल मी ए कैसे फाइंड करेंगे हमारे पास बी है यहां पे बी इस पर हम करते हैं अब ए इससे कैसे फाइंड करें
सर मैं बोलूं श्रेयांश सर शिवम शिवम टेल मी सर वो ए प्लस वो ए फाइव इक्वल्स टू ए प्लस फोर डी ऐसा लिया था ना ए फाइव ए सिक्स इक्वल्स टू ए प्लस फाइव डी लिया था ना उधर ए के वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पे ए सिक्स इक्वल्स टू ए प्लस फाइव डी तो मैं ए के वैल्यू पुट करूँ तो वहाँ से मुझे ए कैसे मिलेगा मुझे मेरे पास सिक्स का थोड़ी ना मेरे पास यहाँ पे देखो क्या हो रहा है सर बोलो हेलो सर बोलो यस दिव्या थ्री में थ्री इक्वेशन में थ्री में ओके जेने तुम्हारा यही आंसर था ना यस सर ओके सर डी जो है हमें यहाँ पे डी मिल गया अदर स्टूडेंट्स ये जो फाइल है तो मुझे ए चाहिए तो इस यहाँ पे इक्वेशन थ्री या इक्वेशन फोर में भी पुट कर सकता हूँ ओके और यहाँ पे जो नंबर है थोड़ा बिगर नंबर है तो मैं सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्ट ओके प्रॉब्लम नहीं है बट हम स्मॉलर नंबर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे इसलिए हम इक्वेशन थ्री को कंसिडर करें वैसे दोनों में से कोई भी इक्वेशन में मैं पुट कर सकता हूँ सो डी को इक्वेशन थ्री में पुट कर दो ए फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे डी इज इक्वल टू फाइव गिवन है वो हम पुट कर देंगे हमारी इक्वेशन थ्री में सो पुट डी इक्वल टू फाइव RHS पे जाके बनेगा माइनस अगर पॉजिटिव है तो इट बिकम्स नेगेटिव तो यहां पे RHS ऑलरेडी 24 है उनमें से 50 सबट्रैक्ट होगा माइनस 50 ओके सो इट इज 2A इज इक्वल्स टू 24 माइनस 50 माइनस 26 सो A इज इक्वल्स टू होगा माइनस 26 डिवाइड बाय 2 सो A इज इक्वल्स टू मिला माइनस 32 213 26 ओके सो A की वैल्यू मिली माइनस 13 B इज 5 Now, what we need to find, हमें find क्या करना था? Find the first three term of derivative. यहाँ पे first term तो मिल गई ना minus 13. अब next term क्या लिखूँ? So यहाँ पे first term is equals to आएगा a is equals to minus 13. Okay, anyone can tell me second term क्या होगी? So हम second term, first three term रखते हैं तो second term कैसे find करेंगे? So हम सेकेंड टर्म क्या होगी और कोई स्टूडेंट कह सकता है जेनेट कैन यू टेल मी सेकेंड टर्म क्या होगी